इन कदों कटेगा पट्ठी चो इन्ने टाइम च आलू भी दो बार उबड़ जाना। चुप कर यार, ओ मैं पाफे का नजला ठीक करने नहीं सगो रंग ठीक करने लाई आ। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना स्मार्ट सिटी में, जहां हम आपको मिलवाने जा रहे हैं लेजेंडरी कॉमेडियन मिस्टर बिन्नू ढिल्लो जी से। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इनसे बात करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सर। सबसे पहले आप ये बताइए, आपने जो अपनी कॉमेडी स्टार्ट की थी तो क्या ये आपका बाय बर्थ ही आपको ये इंटरेस्ट था कि आपने कॉमेडी करनी है, या मूवीज में आने के बाद आपने स्टार्ट किया? नहीं, सारे बच्चे शरारती होंगे जो बचपन होंगे जी, तो कई बच्चों डांट के पेरेंट्स बिठा देंगे तो उन्हों का जोड़ा पोटेंशियल होंगे वो मर जाता है ना। तो मैनू थापी मिलती रही भी कोई वेरी गुड यार, यू डूइंग गुड है ना। तो उस चीज़ ने मैं वो किया जी, बूस्टअप किया। तो हूँ मैं फैमिली मैंबर्स के साथ भी ऐसे ही रहते हैं ऑलवेज इस समॉल लाइफ जी, तो हंसना बहुत ज़्यादा जरूरी है जी। यही फलसफा सारे अपना चाहिए जिंदगी। जैसे हम कहते हैं कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मेक समवन लाफ, सबको हंसाना एक सबसे डिफिकल्ट टास्क माना जाता है, तो आपके लिए ये कितना डिफिकल्ट है? नहीं बिल्कुल है तो डिफिकल्ट, क्योंकि अज जो एक ना तुम एक क्रिएट करते हो, कोई भी एक सिचुएशन क्रिएट करते हो, एक जोक क्रैक करते हो या कुछ भी, तो सोशल मीडिया का एड्डा ज़्यादा हैगा जी, तुम ओवरनाइट ही तुहाडे कोले घूम के चुटकला तुहाडे कोले वापस तुहानू लोग सुना रहे होंगे ने, चाहे तुम वो बनाया होवे हो है ना। तो जो गाना है तुम गाना एक गाना गा के आप 7 साल हुई गाना 8 साल 10 साल गाने की उम्र बहुत लंबी होंगी वो सुनते रहने, पर एक जो सिचुएशन क्रिएट होंगी जो एक जोक क्रैक करते हैं तो वो उम्र एक दिन की भी है, दूजे दिन वो दूजा बंदा सुनाऊगा कहूगा ये मेरा है मेरा है मेरा है। जैसे सर आपकी मूवीज आती है ना तो सारे बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है सबका, तो आपको कैसे लगता है कि जब इतनी एप्रिसिएशन मिलती है आपको? नहीं जब जो हीमोग्लोबिन जो इंक्रीज होता है सारे का, तो मैं बेनती करता जी ब्लड की बड़ी लोड़ होती है आले दुआले, जिन्हें भी तुहाडे ब्लड वैसे भी डोनेट करना चाहिए जिते भी आले दुआले तुहाडे कोई इदां दे सोशल कॉज ने उन्हां विच बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करो। अज लुधियाना दे विच एक मैराथन हुण जा रही है जिहड़ी कैंसर दे अगेंस्ट है, मैं उहदे करके इत्थे आया जी। बहुत वधिया कॉज है उन्हां दा, कैंसर नू नो कहो जी, क्योंकि वो किदा अवेयर करते हैं कैंसर वास्ते की आप प्रकॉशनस लै सकते हैं, उहदे वास्ते ये कंपेन इन्होंने चलाई है, तो मैराथन है उहदे वास्ते मैं लुधियाने आया। तो नाल नाल मेरी मूवी रिलीज़ होने जा रही है जी काला शाह काला, 14th February लगनी है, वैलेंटाइनस वाले दिन प्यार वंडन वाला दिन है जी, उदन वीरवार को साडी फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो लुधियाना निवासियों सारे बेनती करना है भी जरूर जाके सिनेमा घर मूवी। और बताइए लास्ट में हमें, जैसे आपने अभी तक इतनी सुपर डुपर हिट मूवीज दी हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को, अब जो आपकी मूवी आ रही है काला शाह काला, ये कंसेप्ट आपके माइंड में कैसे आया कि एक गाना तो होता था काला शाह काला, उसके बाद ये मूवी का आपके माइंड में कैसे आया? हाँ जी, ट्रेडिशनल सॉन्ग होंदा सीगा जी काला शाह काला, पर ये स्क्रिप्ट कुछ ना कुछ वक्रा करन दी चाहना हैगी है जिंदगी दे विच भी वक्रे कंसेप्ट, क्योंकि इक्को जिहियां मूवियां तुसीं करदे रहो तो वो सारे उदा ही एपीसोड्स लगन लग जांदे ने, तो कुछ ना कुछ वक्रा करन लई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਈ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਤਾਈਏ, ਹਮ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ, ਆਪਨੇ ਇਸਮੇ ਕੌਨ ਸੀ ਕਰੀਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫੇਰਤਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਫੇਸ 'ਤੇ? ਇੱਕ ਬੇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਸੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਜੰਨਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ, फुल कॉमेडी मूवी। हाँ जी, तो सर हम यही चाहते हैं आप लुधियाना से स्पेशली अपील करिए, आप यहाँ पे आए आज की 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे वाले दिन आपकी मूवी रिलीज होने वाली है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस? बिल्कुल जी, तुहाडे चाहण वालेयां लई जिथे चाहीदी हो, जरूरी नहीं तुहाडियां गर्लफ्रेंड्स ही हुण, तुसी माता पिता भैन भरा छोटे बड़े सारयां नूं प्यार करो आले दुआले, क्योंकि अग्रैशन बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब नाल प्यार दा सब तो वड्डा दिन यह आ रहा 14 फरवरी, सारे वैलेंटाइनस दे तौर ते मनाउने जी आपां, ते तुहाडे वैलेंटाइनस वास्ते सब तो बड़ा गिफ्ट होगा तुसी काला शाह काला जाके मूवी दिखा के लेके आओ सारयां नूं, जदों बाहर निकलूगा 100% जिहड़ा तुहाडे नाल जाऊगा ओह कहूगा भी एदू बेस्ट वैलेंटाइनस डे नहीं मेरा हो सकदा। थैंक यू सो मच सर अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब। सत श्री अकाल जी। मैम आप बताइए, वैसे आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से जी। एंड मैम आप वैसे टीवी सीरियल्स में आप इतने रिनाउंड पर्सनैलिटी रह चुके हैं, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? बहुत ब्यूटीफुल जी, पंजाब अपना ही शहर है, मतलब सब कुछ अपना ही है, पंजाब कल्चर अपना सब अपना, मैं पंजाबी हाँ, तो बहुत बहुत सोहना रहा। तो
मैम, जैसे आपके हस्बैंड भी इतने फेमस रेनाउंड पर्सनालिटी हैं बॉलीवुड के, तो आप मैनेज कैसे करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं अपनी मैरिड लाइफ को? बस जैसे बाकी सब लोग करते हैं, दोनों काम करते हैं, फिर दोनों घर आते, दोनों काम करते हैं, दोनों घर आते, वो अलग बात है कि हम अलग अलग शहरों में करते हैं आजकल, बट या वी मेक सम टाइम। मैम, पंजाब के लोगों से कैसे अप्रिसिएशन मिल रहा है आपको, जैसे आप इतनी ब्यूटीफुल एक्टिंग करते हैं, किस्मत मूवी में भी आपकी मूवी वो सुपर डुपर हिट गई, कैसे लगता है आपको जो बहुत अच्छे रिव्यूज मिलते हैं पंजाबी स्पेशली पंजाब के लोगों से? यार, रिव्यूज़ तो किसी से भी मिले बहुत अच्छे लगते हैं, पर बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, यू नो, और अच्छा लगता है जब कोई मेहनत के बाद आके कहता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको सहराते हैं और इतना बॉक्स ऑफिस रिजल्ट भी देते हैं कि आपकी फिल्म सुपर हिट हो जाती है। थैंक यू सो मच। आप, मैं हमेशा कहती हूँ कि पंजाब ने मुझे सर आँखों पर रखा है एंड मैं उनकी ऋणी हो गई हूँ इस चीज़ के लिए, सो थैंक यू फॉर ऑल द लव। मैम, आप लुधियाना स्पेशली किस पर्पज़ के लिए आए हैं? हम लोग आए हैं यहाँ पर अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, काला शाकाला, एंड मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि उस प्रमोशन के दौरान थैंकफुली हमें एक ऐसे कॉज को सपोर्ट करने का मौका मिला दैट आई रियली बिलीव इन, कैंसर को कैंसिल करो, एंड हम लोग आज उसके लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो मैम, आपकी जो मूवी आ रही है 14 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे वाले दिन, स्पेशली लवर्स डे के दिन, काला शाकाला, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको उस मूवी का? बहुत देखो यार, हमने किस्मत करी, किस्मत लोगों ने जाके देखी, बाहर निकले, बाहर बहुत रोए, सब ने मुझे मैसेज करा, मैम हम बहुत रोए बहुत रोए बहुत रोए। मैंने कहा आप कोई ऐसी फिल्म करते हैं जिसमें लोग बोले हम बहुत हंसे बहुत हंसे बहुत हंसे। तो काला शाकाला एक वैसी फिल्म है, खूब सारा रोमांस है, खूब सारी कॉमेडी है, खूब सारा एंटरटेनमेंट है, खूब सारा ड्रामा है, सब कुछ जो एक अच्छी फिल्म में होना चाहिए, और हमें था कि 14 फरवरी को इससे बेटर डे कोई हो नहीं सकता कि आप जाके एक रोमांटिक फिल्म देखें, और तभी हम लोग एक दिन पहले आ रहे हैं, फ्राइडे की जगह थर्सडे को ही आ रहे हैं, सो प्लीज गो एंड वॉच काला शाकाला ऑन द 14th of February। यू आर ब्लेस्ड विद सच अ हैंडसम हबी, तो काला शाकाला में बिनो ढिलो तो बिल्कुल आपको, हमने जैसे उनसे बात की थी, हमने उनको कहा कि फेयर एंड लवली से हम अपना कम्प्लेक्शन फेयर करते हैं, उनका कम्प्लेक्शन देख के आपको शूटिंग के टाइम थोड़ा डर नहीं लगा? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, और हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत गुड लुकिंग है दिल से, ये गुड लुक्स तो आती जाती रहती हैं, ये गुड लुक्स कभी नहीं जाती है, मैं उनकी सीरत पे गई थी, सूरत पे नहीं, और वही हमारी फिल्म की कहानी भी है। मैम, अब आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपकी मूवी रिलीज होने वाली है? यही कि आपने हमेशा इतना प्यार दिया है एंड आपने इतना ट्रस्ट किया है हमें कि वी विल गेट यू गुड कॉन्सेप्ट, हम अच्छी फिल्म आपके लिए लाएंगे, एक बार फिर हम पे वही विश्वास बनाए रखिए और थिएटर्स तक जाइए 14 फरवरी को, थर्सडे को, वैलेंटाइंस डे पे, एंड खूब इन्जॉय कीजिए फिल्म को। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। थैंक यू। हाउ आर यू सर? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। सर, सबसे पहले बताइए, इज दिस योर फर्स्ट मूवी? No, this is not my first movie. This is my fourth movie. I did Vadhaiyan Ji Vadhaiyan and Bailars. I produced one film, What the Jatt, and now doing Kala Shakala. And sir, you are doing such a great job. Itni appreciation milti hai aapki movies ko, to kaise lagta hai jab itne acche comments milte hai, appreciation milti hai Punjabis ki taraf se specially? बहुत अच्छा लगता है, इट फील्स वेरी नाइस, एंड आपके वर्क को लोग प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, तो इट फील्स वेरी वेरी नाइस। आई जस्ट होप कि ये फिल्म भी लोगों को बहुत अच्छी लगे। You seem such a young, तो इतनी young age में आपने movies produce करना कैसे start किया? बस movies was my passion always, so I just wanted to be into film, so just worked hard and got this kind, so I just got myself. And your movie is coming on, releasing on 14th February, Kala Shakala. तो किस type की movie है ये, और is this a comedy movie or romantic? It is a very light-hearted movie. ये आपको बहुत हंसाएगी भी, इट विल टेल यू द स्टोरी ऑफ अ नॉर्मल ले मैन, बट इट इज़ अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट एंड पीपल विल रियली लव इट। इट्स लाइक प्रॉमिस है कि लोग बाहर बहुत खुश होकर आएंगे। टोटली फैमिली मूवी, यू विल लाफ, यू विल लव, यू विल लाइक, टोटली स्टोरी के हिसाब से फिल्म चलती है, तो इट्स वेरी नाइस। जो बिन्नू ढिल्लो का आपने इसमें कैरेक्टर लॉन्च किया काला शाकाला, ये एक माइंड में कैसा कंसेप्ट आया, बिल्कुल डिफरेंट कि उनको डार्कर शेड में आपने प्रेजेंट करना है? ये हमारे जो राइटर्स है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, तो बिन्नू जी ने उनको कंसेप्ट करना था, तो ही टोल्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ही सेड कि मुझे प्रोजेक्ट करना है, तो वी हर्ड द स्टोरी और हमें बहुत अच्छी लगी, तो हमने कहा ये काले गोरे की प्रॉब्लम काफ़ी है, तो एक बार इस चीज़ को हम फिल्म में दिखाएँ कि इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, रंग मैटर नहीं करता, so that is why we wanted to make this. So lastly, we want कि अब movie release होने वाली है, तो आप क्या appeal करना चाहेंगे specially Punjabis को? जी, I'll appeal कि please please जाकर देखिए film, बहुत बहुत अच्छी है, और कोई भी मतलब disappoint होकर theatre से बाहर नहीं आएगा, that is for sure. Thank you
थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। 14 फेब को इस मूवी को स्पेशली देखने जाइए थिएटर्स में और खूब सारा प्यार दीजिए। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी। मैं तो डर लगता कि मेरिया नजर ना तेन लग जा, मैं काला टिका ला दवा। क्यों कर टिका कितने लाया? इतने लाया सी। हाँ मैनू लगता गुआच गया भाई।